हरिद्वार से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रविवार को रुड़की पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई स्थानीय विधायक रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में रही शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। चुनावों से पहले युवाओं को योगी सरकार देगी बड़ी सौगात। 25 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटने की तैयारी। पहले चरण में आखिरी वर्ष के छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम धामी के मसूरी दौरे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने परियोजनाओं के लोकार्पण पर उठाए सवाल, कहा जिन योजनाओं का लोकार्पण वो कांग्रेस की। आज जब हम लोगों ने ये कहा तब वो उन्होंने आनंद फानन में रातों रात वो शिलापट, उन्होंने शिलापट जो शिलान्यास का शिलापट है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भाजपा के जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दिशा निर्देश में जो हटाया गया था वो आज उन्होंने गलती मानते हुए उन्होंने आज वहाँ पर लगा दिया गया है। पिथौरागढ़ पहुंचे यशपाल आर्य का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। भाजपा पर यशपाल आर्य ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। रुड़की में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल का बयान, टिकट कटने के दावे को लेकर बोले मुझे पूरा विश्वास आलाकमान सर्वे के आधार पर देगा टिकट। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए की बैठक। राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की। राजधानी लखनऊ में आज देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह के तहत ये शो रेजिडेंसी में शाम 5:30 बजे शुरू होगा। रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाएगा। मुरादाबाद में दबंगों ने आपसी विवाद में ग्राम प्रधान के घर पर किया पथराव। पथराव की घटना वहां लगे सीसीटीवी में हुई कैद। भगतपुर थाना इलाके का मामला, ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी जानकारी। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट बना बदमाशों का अड्डा। हाथों में पिस्टल लहराकर युवक ने सेल्फी पॉइंट से बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दारोगा उमेश त्रिपाठी पढ़ा रहे ईमानदारी का पाठ। दारोगा का कहना है पुलिस से अच्छा कोई विभाग नहीं बना, पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है। उमेश त्रिपाठी ने ये बात पाठशाला कार्यक्रम के दौरान कही। असम के धुबरी जिले के एक गांव में जंगली हाथी ने 30 साल के शख्स पर किया हमला। युवक को दौड़ा दौड़ा कर कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कैमरे में कैद हुई घटना।